डियर स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट्स की आज की इस क्लास में हम कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कमीशन यहां पर तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट है ऑर्डिनरी कमीशन, सेकंड वन इज डेल क्रेडर कमीशन एंड थर्ड वन इज ओवरराइडिंग कमीशन। देखिए, जो ऑर्डिनरी कमीशन है इसको हम सामान्य कमीशन कहते हैं और जनरल कमीशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये सामान्यतः टोटल सेल के ऊपर एजेंट को दिया जाता है। मान लीजिए ए हमारा कंसाइनर है और बी है कंसाइनी। ए ने बी के पास माल भेजा है तो ए बी को कमीशन देगा, क्योंकि बी एजेंट है, कंसाइनी है और ए है कंसाइनर, यानी कि प्रिंसिपल है, मालिक है, तो ए बी को कमीशन देगा। तो तीन प्रकार का कमीशन, जैसे मैंने यहां पर बताया, ऑर्डिनरी कमीशन सामान्यतः टोटल सेल के ऊपर दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट यहां पर आप देख रहे हैं डेल क्रेडिट कमीशन। तो डेल क्रेडिट कमीशन यानी कि परिशोध कमीशन एजेंट को इसलिए दिया जाता है ताकि वह क्रेडिट सेल्स के अमाउंट को कलेक्ट करने की गारंटी वहां पर ले ले। जब डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है तो बैडेट्स अगर होते हैं तो उनकी जिम्मेवारी एजेंट की रहती है। और ठीक इसी प्रकार से जो तीसरा कमीशन है ओवरराइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन, यह कमीशन एजेंट को इसलिए दिया जाता है कि वह माल को अधिक मूल्य पर बेचे, यानी कि जो इनवाइस प्राइस है उससे अधिक मूल्य पर जो माल बेचता है उसके ऊपर ये कमीशन दिया जाता है। ये जो तीन प्रकार के कमीशन यहाँ पर बताए हैं इनको हम एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। कि मान लीजिए ए ने बी को टोटल 1,20,000 रुपए इनवाइस प्राइस का माल भेजा है, तो बी ने 1,20,000 में से 1,08,000 रुपए का माल वो बेच दिया है। 1,20,000 इनवाइस प्राइस है, 1,08,000 रुपए इनवाइस प्राइस है, ये माल बी ने बेच दिया है। और ये माल जो बेचा है वो बेच दिया इसने, मान लीजिए 1,18,000 रुपए का। अभी एग्जांपल हमने यहां पर लिया है। पहली जो बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जो माल इनवाइस प्राइस पे यहां पर भेजा है, कितने रुपए का माल भेजा, इसका यहां पर कैलकुलेशन में कोई भी संबंध नहीं है। फिर आगे मान लीजिए कि 1,18,000 रुपए में से 50,000 रुपए का माल उधार पर बेचा है, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स है 50,000 रुपए की, और जो कैश सेल्स है, कैश सेल्स ये 68,000 की है। यहां पर जो कैश सेल्स लिखी है 68,000, इसका भी यहां कमीशन की कैलकुलेशन से कोई संबंध नहीं। तो हमारा जो मुख्य रूप से संबंध रहेगा, 1,08,000 रुपए इनवाइस प्राइस का माल 1,18,000 रुपए में बेचा, जिसमें से 50,000 रुपए का क्रेडिट सेल्स यहां पर किया गया है। मान लीजिए कि ऑर्डिनरी कमीशन जो बी को दिया जाता है वो है 5%, 5% ऑन इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस के ऊपर 5% कमीशन दिया जाता है, ये मान्यता हमने ले ली है। दूसरा है डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन है मान लीजिए 3% ऑन क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स 3% कमीशन ये दिया जाता है। और फिर ओवरराइडिंग कमीशन है, अधिभावी कमीशन है, ये सरप्लस अमाउंट के ऊपर दिया जाता है, ये मान लीजिए 20% दिया जाता है, 20% ऑन एनी सरप्लस ओवर इनवाइस प्राइस। नॉर्मली आप देखते हैं कि यहां पर ओवरराइडिंग कमीशन में परसेंटेज वो ज्यादा रहती है, इसलिए यहां पर 20% का एग्जांपल हमने लिया है। और अब देखिए कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करें। सबसे पहले ऑर्डिनरी कमीशन है,
जो इनवाइस प्राइस पर दिया जाता है। टोटल सेल्स यहाँ पर की है 1,18,000 रुपये की, लेकिन उस सेल्स का जो इनवाइस प्राइस पे अमाउंट बनता है 1,08,000 रुपये का है, तो 1,08,000 रुपये के ऊपर ऑर्डिनरी कमीशन दिया जाएगा। ऑर्डिनरी कमीशन ये 5% है, तो 1,08,000 रुपये का ₹1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, तो ये राशि हम कैलकुलेट करेंगे ₹5,400। तो ये ऑर्डिनरी कमीशन यहां पर हमने कैलकुलेट किया है। तो ऑर्डिनरी कमीशन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इनवाइस प्राइस के ऊपर ये हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता है, तो ऐसी स्थिति में आपने टोटल सेल्स के ऊपर इसको कैलकुलेट करना होता है। टोटल सेल्स का अमाउंट यहां पर कितना है 1,18,000 रुपए, फिर इसको हम 1,18,000 रुपए कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको इनवाइस प्राइस पे कैलकुलेट करना है, तो ऐसी स्थिति में इनवाइस प्राइस पे उसको हम कैलकुलेट करेंगे। और जो दूसरा कमीशन है डेल क्रेडिट कमीशन, तो क्वेश्चन में लिखा है कि 3% ऑन क्रेडिट सेल्स, तो ऐसी स्थिति में तो क्रेडिट सेल्स के ऊपर ही इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो 50,000 यहां पर दिया हुआ है, तो डेल क्रेडिट कमीशन लिखिए यहां पर, डेल क्रेडिट कमीशन 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 100, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करिए 1,500। तो ₹1,500 डेल क्रेडिट कमीशन हो गया, क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स के ऊपर लिखा गया था। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तो इसे भी टोटल सेल्स पर ही कैलकुलेट करते हैं, ये हमने विशेष तौर से ध्यान रखना है। और अब है थर्ड ओवरराइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन, अधिक भाव प्राप्त करने के लिए कमीशन दिया जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इनवाइस प्राइस है 1,08,000 रुपए और माल बेच दिया है 1,18,000 रुपए में, तो इनका जो डिफरेंस है इनका 10,000, तो 10,000 के ऊपर ओवरराइडिंग कमीशन यहां पर हम देंगे। तो ओवरराइडिंग कमीशन लिखिए, ओवरराइडिंग कमीशन ये देंगे हम 10,000 के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 100, तो इस प्रकार से ये बन गया ₹2,000। तो ये ओवरराइडिंग कमीशन की कैलकुलेशन ऐसे होती है। सरप्लस अमाउंट हम इसमें देखते हैं, सरप्लस अमाउंट यानी कि टोटल सेल्स है 1,18,000 रुपए की, इनवाइस प्राइस इसका है 1,08,000 रुपए, डिफरेंस आ गया 10,000, दैट इज सरप्लस अमाउंट। सरप्लस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेशन की है कमीशन की, और ये कमीशन हमारा आ गया 2,000। तो इसका हम जोड़ कर लेंगे ऐसे ₹8,900, तो ये कमीशन की अमाउंट आ गई 8,900। तो तीन प्रकार का कमीशन आपको यहां पर बताया गया है। एक और टाइप का कमीशन भी, दैट इज फोर्थ टाइप, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ये कमीशन एजेंट को दिया जाता है, नेट प्रॉफिट के ऊपर ये कमीशन दे रहे हैं। तो परसेंटेज जो लिखी होती है क्वेश्चन में, मान लीजिए 10% लिखा है, तो 10% तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट बना करके, और उसमें फिर 10% 10/110 इस प्रकार से हम करते हैं। मान लीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रॉफिट आ गया हमारा 11,000 का, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, तो ₹1,000 ये कमीशन हमारा इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास के संबंध में कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वारी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट्स की नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप अवश्य देखें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।